आर वी लाई, लेट मी चेक फर्स्ट। यस। तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल है बैच डीप बैच में, जहाँ पर आज हम करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर पूरा का पूरा इन वन शॉट। तो आप मेरे ख्याल से तैयार होंगे इस चैप्टर को करने के लिए। जी हाँ, लाइव भी है, मैं एक बार चेक करता हूँ क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल विजिबल हूँ। आर वी लाइव, लेट मी चेक फर्स्ट, एवरीथिंग इज प्रॉपर, मैं विजिबल भी हूँ ऑडिबल भी प्रॉपरली हूँ। तो मैं एक मिनट को यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा। यस, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ये ब्रीदिंग हमने किसको कहा? सांस ले रहे हैं हम, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? सांस लेने में दो चीजें आती हैं, सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर कर रहे हो। इसको हमने कहा इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, और कितनी बार इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? एक बार में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कितनी बार हो रहा है? जैसे मैंने एक बार सांस अंदर कर, ये तो हो गया कि सांस अंदर चली गई, अंदर जाके वो यहां से हर जगह से जाएगी, कहां से जाएगी कैसे जाएगी वो आपको आगे पता चलेगा। फैरिंग्स से गई, लैरिंग्स से गई, फिर आपकी जाएगी ये ट्रेकिया में, ट्रेकिया से प्राइमरी ट्रेकिया से ब्रोंकियोल्स, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, और उसके बाद जाती है ये एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से ये जाएगी लंग्स में, ठीक है, सॉरी एल्वियोलाई से ये जाती है कैपिलरी में, और इसी जगह पे होता है पहला एक्सचेंज ऑफ गैस। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस होता है टोटल दो बार, एक बार हुआ बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। तो फर्स्ट टाइम होगा एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में, दूसरी बार। अब एल्वियोलाई तक पल्मोनरी कैपिलरी, देखो देखो देखो, ये रहा डायग्राम, ये एल्वियोला था। एल्वियोला के अंदर आपको मिली ऑक्सीजनेटेड एयर, आप बाहर से इसके अंदर एयर लेके आए, उसमें ऑक्सीजन है, तो इसमें से जो ऑक्सीजन है वो चली जाती है इस सेल के अंदर, इन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन चली गई इन सेल्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से बाहर आ जाती है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने? ऑक्सीजन तो अंदर चली गई बट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब ये जो पल्मोनरी, जहाँ पे है पल्मोनरी कैपिलरी, तो पल्मोनरी कैपिलरी कैसे बनती है? जब आर्टरीज खुद को डिवाइड कर लें, उनको बोला कैपिलरी, और कैपिलरीज ट्यूब्स करके दोबारा क्या बनाएंगी? वेन्स बनाएंगी। तो इस साइड वेन है, अब वो वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होगी, ठीक है। ओनली वेन विच टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन, क्लास 10th, ठीक है। तो यहाँ से गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाएगा बॉडी के बाकी पार्ट्स में। अब ये देखो यार, ये आ गई पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके जा रही है? ये हार्ट, हार्ट से होके जाएगा पूरी की पूरी बॉडी में। अब ये सेल है, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो गई है ना, तो वो एक्सचेंज करेगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है पल्मोनरी वेन में, तो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगी, और इसने पल्मोनरी उसमें ट्रांसफर कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, पल्मोनरी वेन में कार्बन डाइऑक्साइड चले गई। अब ये देखो, ये उन्होंने लिखा सिस्टमिक वेन्स, तो हाँ अच्छा सॉरी, पल्मोनरी तो यही है ना, पल्मोनरी तो एक ही है। अभी सिस्टमिक वेन्स क्यों लिखा? बिकॉज इनका नाम है सिस्टमिक वेन्स, ठीक है, इसलिए इनको सिस्टमिक वेन्स लिखा गया। तो मतलब जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा होगा? जो एक्सचेंज है सेकेंड टाइम जो एक्सचेंज हो रहा है वो हुआ बॉडी सेल्स, बॉडी के सेल्स कह लो, टिश्यू कहना टिश्यू कह लो, एंड बॉडी के सेल्स या टिश्यूज, और सिस्टमिक कैपिलरी, सिस्टमिक कैपिलरी। मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि दो बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है आपकी बॉडी में हो रहा होता है। तो ये मैंने लिखवा दिया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से हेडिंग्स को। अब रेस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? ये तो मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताया भाई, तो रेस्पिरेशन देखो अभी क्या है। देखो सबसे पहले आपने एयर को इनहेल किया, इनहेलेशन कर ली, ये ब्रीदिंग में आ जाएगा, आपने इनहेल किया, इनहेल करते ही वो आपके एल्वियोलाई तक पहुंची, वहां पे एक्सचेंज वन कंप्लीट हुआ। कहाँ पे होगा? एल्वियोलाई के अंदर कंप्लीट होगा। एक्सचेंज वन हुआ, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के अंदर चला गया, और वेन्स के थ्रू वो सारे सेल्स के अंदर पहुंच गया, वेन्स के थ्रू सारे सेल्स के अंदर, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन ने हार्ट को, और हार्ट ने इसको आउटर के थ्रू सारे सेल्स को दे दिया। ये होता है, सारे सेल्स तक पहुंच गया। अब वहां से कैसे पहुंचा होगा? ट्रांसपोर्ट से पहुंचा, ठीक है, वहां पे दोबारा से एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज टू। पल्मोनरी वेन ने अब सिस्टमिक वेन
सॉरी सिस्टम में कैपिलरी और जो बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, उनमें एक्सचेंज हुआ होगा गैसेस का। तो ये वाला गैसेस एक्सचेंज सेकेंड टाइम हुआ। अब सेकेंड टाइम गैसेस एक्सचेंज हो गया है ना। फिर इसके बाद देखो, इसको मैंने नाम दिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। परंतु जब सेल के अंदर ऑक्सीजन मिल गई, सेल को ऑक्सीजन मिलने के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वहां पे प्लांट्स के अंदर पढ़ोगे, बट ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो आगे सके सेलुलर रेस्पिरेशन में स्टार्ट होगी। अब ये देखो, ये वो पाथवे है जो कि आपकी जो एयर है वो जा रही है फॉलो करते हुए। एयर गई नॉस्ट्रल्स में, नॉस्ट्रल्स में सबसे पहले तो हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड साथ में म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि उस एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को यहीं पे रोक देगा और बाकी चीजों को जाने देगा। तो जाने गया। अब यहाँ पे होता है नेसल पैसेज। नेसल पैसेज यहाँ पे ऐसे लाइनिंग लाइनिंग से होती है, उसको बोलेंगे नेसल पैसेज। नेसल पैसेज में गया, नेसल पैसेज के बाद ना अंदर भी दो नोस्टल्स होते हैं, अंदर भी दो नोस्टल्स होते हैं जिनका हमने नाम रखा है इंटरनल नोस्टल्स। वहां पे गया, इंटरनल नोस्टल्स आए, फिर एक कॉमन पासेज पे जाएगा। कॉमन पासेज किसकी? एयर की और फूड की। फेरिंग्स के बारे में यहाँ पे लिख लो, इट इज द कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग्स क्या है? इट इज द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, ठीक है ना भाई साहब? लैरिंग्स के बारे में तो जानते हो ना, वॉइस बॉक्स, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जाएगा ट्रेकिया में। ट्रेकिया आपकी विंड पाइप का नाम है। लैरिंग्स में कई सारे ग्लॉटिस प्रेजेंट होते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया। लैरिंग्स में कई सारे आपके पास कुछ फ्लैप्स प्रेजेंट हैं, कई सारे फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, अगली स्लाइड पे लिखा होगा मैंने। ट्रेकिया में विंड पाइप है, उस विंड पाइप को लैरिंग्स का एक फ्लैप कवर करके रखता है जब आप फूड खा रहे हो, ठीक है। लैरिंग्स का एक फ्लैप ने किसको कवर करा? ट्रेकिया को, जब आप खाना खा रहे हैं तब, बिकॉज ट्रेकिया इज द विंड पाइप और विंड पाइप को कवर करना जरूरी है। बिल्कुल पहचाना है इट्स हजन। तो ट्रेकिया को कवर करना जरूरी है, और उसको कवर किसने किया? एपिग्लॉटिस ने कवर किया। एपिग्लॉटिस ने कवर किया, तो इससे ट्रेकिया के बारे में एक चीज पता चल रही है। चलो मैं आगे आगे बताऊंगा, ये चीज है ना, जहां पे लेके आया वहीं पे बता देते हैं, अभी थोड़ा सा शांत रहते हैं। और देखो, ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ट्रेकिया पे एपिग्लॉटिस लगा है। साथ ही में ट्रेकिया पे सी शेप की विंग आपके पास क्या लगी होती है? देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स। कार्टिलेजनस रिंग्स, सी कैसा होता है? सी, सी इज लाइक दिस, ठीक है। तो सी तो आधा ही हुआ ना, तो आधी रिंग्स होगी यहाँ पे, सिर्फ आधी वाली साइड। पीछे वाली साइड रिंग्स एबसेंट होती है, इसलिए हमने कहा डॉर्सल साइड पे रिंग्स नहीं है, बिकॉज डॉर्सल साइड पे क्या होता है? आपका ईसोफेगस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। आफ्टर दैट कम्स, अब ब्रोंकियोल स्टार्ट होंगे, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद एल्वियोलाई। जो ये सी कार्टिलेजनस रिंग्स है ना, ये सी शेप की, ये यहां तक प्रेजेंट होंगी, इनिशियल ब्रोंकियोल तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल पे ये नहीं दिखेंगी। तो यहां तक ये सब में होंगी, इन सब में कार्टिलेजनस रिंग्स आपको देखने को मिलेंगी आधी आधी। अभी स्टार्ट किया ना हमने, वी जस्ट स्टार्टेड नाउ ओनली। कितना टाइम हुआ? 8 मिनट हुए। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया, देखो ये ट्रैक क्या है। तो ये रिंग्स गलत बनी है, तो रिंग्स आप और बनाएंगे, प्राइमरी में भी बनाएंगे, सेकेंडरी में बनाएंगे, टर्शियरी में बनाएंगे, और साथ ही साथ इनिशियल ब्रोंकियल में भी बनाएंगे। बस यहां तक ही रहेंगी, टर्मिनल ब्रोंकियल में आपको ये रिंग्स नहीं देखने को मिलेंगी, तो वहां पे आपको इसको नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये सी शेप हाफ आधी होंगी, ठीक है, कार्टिलेजनस होंगी। तो देखो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ये प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद स्टार्ट होंगे ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल जो कि स्टार्टिंग में आ रहा है, टर्मिनल ब्रोंकियोल जो कि एंड में आ रहा है, टर्मिनल ब्रोंकियोल जो कि एंड में आ रहा है, सिंपल। हाँ जी, हाँ जी, एल्वियोलर डक्ट, ये है आपके पास एल्वियोलर डक्ट, जो कि एल्वियोलाई से किसको कनेक्ट कर रहा है? टर्मिनल ब्रोंकियोल को, ठीक है। ये एल्वियोले से कनेक्ट हो गया, एल्वियोला में क्या होगा?
ये एयर जाएगी और साथ ही में यहाँ पे जो कैपिलरी प्रेजेंट है उसके साथ एयर एक्सचेंज हो जाएगी। तो इनका एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन वाली एयर बाहर अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड चले जाएगी बाहर, गैस एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये देखो, ये मैं लिख के भी लेके आया हूँ इन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया है। फैरिंक्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बताया गया, बता दिया गया। लैरिंक्स इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, क्यों? बिकॉज ये साउंड प्रोड्यूस करता है और इसके ऊपर कार्टिलेजेस होते हैं, उन कार्टिलेजेस का नाम है ग्लॉटिस और उनमें से एक का नाम है एपिग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस उसका नाम नहीं है कार्टिलेजेस का, सॉरी, एक का नाम है एपिग्लॉटिस, एक का नाम है एपिग्लॉटिस। उसका नाम एपिग्लॉटिस क्यों है? बिकॉज एपी माने ऊपर, वो ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट है। ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस क्या है? द एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वलोइंग ऑफ द फूड। जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर जो छेद है उसको हमने कहा ग्लॉटिस। तो ये ट्रेकिया है, ये ग्लॉटिस है और इसको वॉइस बॉक्स के एक इसे कवरिंग ने कवर करा। ये कवरिंग किसकी है? वॉइस बॉक्स की है, जो कि किसने बनाई? हाँ, इसको किसने बनाया? इसको बनाया है वॉइस बॉक्स ने और इसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस। ऐसे तो ये सीधी रहेगी, जब आप फूड च्यू कर रहे हो तब ये ऐसे बैठ जाएगी ताकि फूड कहीं ना कहीं इसके अंदर विंड पाइप के अंदर ना चले जाए। नेक्स्ट ट्रेकिया, अब हम आते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया इज नोन एज द विंड पाइप, ये ट्रेकिया है। इट हैज इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग्स व्हिच आर इनकम्प्लीट टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड मतलब पीछे वाली साइड के लिए इनकम्प्लीट होगी। क्या हुआ मतलब? भाई तुमने उधर सभी सही पढ़ा रहे थे 12 बजे रात को? हाँ 12 बजे पढ़ाता हूँ भाई, बीच में दिन में अब टाइम नहीं मिलता। तो एक बच्चा कह रहा था पढ़ना है उन्हें, तो फिर मैंने कहा 12 बजे कर लेंगे रात। दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इवन अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल, बट टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ये प्रेजेंट नहीं होंगी। यार मैसेज रिट्रैक्ट मत करो, जो बार बार दोबारा लाइव में बाद में देखते होंगे ना वो सोचते होंगे मैं अकेले बातें कर रहा हूँ। अब देखना, अब हम आ रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम पे, कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन। कंडक्टिंग जोन वो जोन है जो आपकी एयर को यहां से एल्वियोले तक लेके आ रहा है। एयर को नॉस्ट्रिल से एल्वियोले तक लेके आ रहा है, तो ये सारा कंडक्टिंग जोन है। क्या क्या आया? नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल, उससे पहले यहाँ पे आएगा क्या, जो आपके पास नॉस्ट्रिल का पैसेज था, नेजल पैसेज, उसके बाद आएगा इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर फैरिंग्स, लैरिंग्स, ये सारा किसके अंदर आ रहा है? फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी ब्रोंकियल, टर्शियरी ब्रोंकियल, ठीक है, ये सब टर्मिनल ब्रोंकियल से पहले पहले जो भी सारा था जहाँ पे आपके पास वो कार्टिलेजेस रिंग्स प्रेजेंट थी वहां तक, ठीक है, वहां तक सारा किस चीज के अंदर आ रहा है? आपके पास आ रहा है कंडक्टिंग जोन में। कंडक्टिंग जोन का क्या काम है? सबसे पहले तो ये एयर को यहां से लेके यहां तक पूरा एल्वियोले तक पहुंचा के जाएगा। सेकेंडली, अच्छा तुम इंजीनियर नाम से ज्वाइन किया कर रहे हो ना। सेकेंडली, ओके भाई, तो देखो यहां से लेके यहां तक सारा क्या है? कंडक्टिंग जोन है। और ये क्या क्या काम करेगा? सबसे पहले तो जो एयर आएगी उसको थोड़ा सा मॉइस्टन करेगा, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द ब्रिंगिंग ऑफ द एयर, जो भी एयर आ रही है उसको ह्यूमिडिफाई करेगा और उसको नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा। एंड इवन ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स एज दे आर लाइन्ड बाय म्यूकस, और इस पूरे के अंदर म्यूकस से लाइनिंग बनी होती है, इसीलिए ये डस्ट पार्टिकल की भी ट्रैप कर लेती है। अच्छा, इसीलिए ये डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप कर लेती है। दे आर नोन एज कंडक्टिंग जोन एंड इट टेक्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन। अब ये इसको लेके जाएगा एक्सचेंज जोन के अंदर। तो सेकंड जोन कौन सा है? एक्सचेंज जोन, जहां पे एक्चुअल में एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज जोन जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज जो है ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहां पे टेक प्लेस हो रहा है। तो देखो, एल्वियोलर डक्ट अलोंग विद एल्वियोलाई कॉन्स्टिट्यूट्स द रेस्पिरेटरी जोन और एक्सचेंज जोन, क्योंकि यहां पे साइट ऑफ एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसको हमने कहा। इसके बाद आता है लंग्स के ऊपर। लंग्स, आपको पता है दो लंग्स हैं आपके पास, इसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये एंड में कर लेंगे। हाँ, आप सबको पता है आपके पास दो लंग्स हैं।
अच्छा वो दो लंग्स, एक है राइट एक है लेफ्ट, तो ये मैंने बना दी राइट लंग और ये मैंने बना दी लेफ्ट लंग। बड़ी गंदी बनी है, आम जैसे लग रही है। ये देखो ये दो लंग्स हैं, और एक चीज याद रखना राइट लंग लेफ्ट से थोड़ी सी ऊपर होती है, तो ईच लंग इज कवर, अच्छा कवरिंग तो बताई नहीं। ये देखो इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग इस प्रकार से, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, ये है आपके पास डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, तो इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होगी, और वो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग जो है और वो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग को हमने क्या कह दिया, प्लूरा, प्लूरा। ठीक है एक मिनट रुको, इसको मैं रिसाइज करके इसकी भी डबल मेम्ब्रेन कवरिंग बना देता हूं पहले। ठीक है ना, तो ये देखो, अरे भंजा ये इसके पास भी है डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। अब इनर मेम्ब्रेन को हमने बोल दिया इंटरनल मेम्ब्रेन, या इसको आप कह सकते हो विसरल मेम्ब्रेन, बिकॉज ये अंदर की तरफ है, अंदर होलो चीजें भी आप बोल सकते हैं, होलो होता है अंदर, मान लो ऐसा मान के चलते हैं, तो ये विसरल मेम्ब्रेन है। और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको हमने बोल दिया पैराइटल मेम्ब्रेन, पैराइटल, प्लूरा, नाम रखना याद, प्लूरा, प्लूरा, जैसे आपने पढ़ा था ना वो प्लूरो न्यूमोनी लाइक है ना, तो वो न्यूमोनिया करवाते थे जो कि लंग्स को अफेक्ट करता था, तो प्लूरो जो टर्म होता है वो हम लंग्स के लिए यूज करते हैं, पल्मोनरी टंग्स भी लंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट है प्लूरा, प्लूरा क्या है, लेयर है, और दो प्लूरा है, एक है विसरल प्लूरा और एक है पैराइटल प्लूरा। ठीक है, इनके बीच में भी कोई खाली जगह थोड़ी है, ये देखो ये कोई खाली जगह नहीं है बीच में, यहाँ पे कोई ना कोई फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पैराइटल, सॉरी प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा, इसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, ताकि ऐसा ना हो कि इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन बन जाए, जब एक्सपैंड करें तो फ्रिक्शन हो जाए, है ना। तो डबल मेम्ब्रेन है जिसको हमने कहा प्लूरा, स्पेलिंग गलत है, एंड दिस प्लूरा एंड दिस लूडो हैज प्लूरल फ्लूइड। अरे भाई, और इनके बीच में जो जगह है उनको हमने, उसमें क्या प्रेजेंट है आपके पास, प्लूरल फ्लूइड है, और क्यों है, ताकि प्रिवेंट हो सके फ्रिक्शन इन बिटवीन द लेयर्स। मोर ओवर राइट लंग इज प्रेजेंट अ लिटिल टुवर्ड्स द अपसाइड, राइट लंग ऊपर की तरफ है, क्यों, बिकॉज नीचे आना होता है लिवर, नीचे आना होता है लिवर, एंड लेफ्ट लंग के पास एक नॉच प्रेजेंट है जिसको हमने कहा कार्डियक नॉच। ये क्यों है, बिकॉज यहां पे आपका हार्ट आएगा इस प्रकार से, और हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इसीलिए उसके लिए जगह बनानी थी, तो कार्डियक नॉच बन गया। अब ये डायग्राम मैं बाद में समझाऊंगा, चलो पहले देख ही लो इस डायग्राम को, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ये लो देखो, ये आपकी एल्वियोलाई में मान लो एयर पहुंच गई, तो ये एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई में भी कुछ ना कुछ है ना, जैसे आपने पढ़ा लेयर होती है, तो एल्वियोलाई में भी लेयर होती है, ये ही एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये सिंपल स्क्वैमस सेल्स, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, तो दीज आर द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, ये कैपिलरी आ गई, ये कैपिलरी आ गई, कौन सी कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी, दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी। देखो डायग्राम चेक करो, ये रही क्या, पल्मोनरी कैपिलरी, तो पल्मोनरी कैपिलरी है ये आपके पास, तो देखो पल्मोनरी कैपिलरी के पास भी एक लेयर प्रेजेंट होगी, किस चीज की, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की। ठीक है, ये भी आपके पास एक लेयर आ गई, ये दूसरी लेयर आ गई, किसकी है ये लेयर, दिस लेयर इज एज वेल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की। इनके अंदर क्या बह रहा होगा, आरबीसीज। ठीक है, ये आरबीसीज आ गए, आरबीसीज तो ही एक्सचेंज करवाएंगे ना गैसेस का, आरबीसीज के थ्रू हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट ज्यादा कौन है, ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ का, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा है सेल्स में, पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो वो जाएंगी ऊपर। अब जो बीच में है, क्या बीच में खाली जगह है, नहीं बीच में खाली जगह नहीं होती है, बीच में भी एक चीज है, और उस चीज का नाम मैंने रख दिया, उस चीज का नाम मैंने रख दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये नॉन सेलुलर होती है, इट इज नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, ये आपके पास एल्वियोलाई है, ये आपके पास कैपिलरी है, कौन सी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी।
ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम जो आपको यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है इन्होंने, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलर सेल, एल्वियोलर, और ये इतने थिक नहीं होंगे, ज्यादा थिक नहीं होंगे, सिर्फ वन सेल थिक। वन सेल थिक होने का क्या कारण है, ताकि डिफ्यूजन प्रोसेस आसानी से हो सके। ये डिफ्यूजन ही तो हो रहा है, गैस एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे मेम्ब्रेन में जा रही है, तो डिफ्यूजन ही तो हो रहा है, ठीक है, दिस इज डिफ्यूजन। तो इसीलिए जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है ना, ये बड़ी कम होती है, ताकि डिफ्यूजन जो है वो आसानी से हो सके। तो देखो डिफ्यूजन हो रहा है, और ये देखिए आपके पास एल्वियोलर कैविटी, बेसमेंट सब्सटेंस जो मैंने आपको बताया कि कैसा है, नॉन सेलुलर है, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तो जो मैंने आपको बताया स्क्वेमस एपिथेलियल वो यही है, आरबीसी के अंदर है, ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। तो देखो वन सेल थिक है, और वो भी वन सेल थिक की होगी एंडोथीलियम भी, तो इसीलिए हमने कहा कि यार बड़ी पतली पतली लेयर्स होती हैं, ताकि गैस का एक्सचेंज आसानी से हो सके। अब आगे चलते हैं, अरे क्या हो गया, अब हमारे हैं थोरैकिक चैम्बर पे। देखो लंग्स हैं, लंग्स नीचे से भी कवर्ड है, बाहर से भी कवर्ड है, पीछे से भी कवर्ड है, और सेंटर से भी कवर्ड है, ठीक है। तो लंग्स को हर साइड से किसी ना किसी चीज ने कवर करा है। देखो डॉर्सली माने पीछे की तरफ से किसने कवर किया है, वर्टिब्रल कॉलम, ये भी स्पेलिंग ठीक है, हाँ ठीक है, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल नहीं वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम ने इसको पीछे से कवर करके रखा है। वर्टिब्रल कॉलम आपको बता ना रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी ने इसको पीछे से कवर करके रखा हुआ है। सेकेंडली अगर मैंने बात की तो अब देखो लंग्स के आगे की तरफ क्या है, रिब केज है, तो इसको हमने देखो पीछे को बोला डॉर्सल, तो आगे को बोलेंगे वेंट्रल, वेंट्रली बाय स्टर्नम, स्टर्नम सेंटर पे होता है, और बाकी तो पूरा रिब केज ने इसको हर तरह से कवर करके रखा है। एंड लिटरली, लिटरली नहीं लेटरली, लेटरली, लेटरली बाय रिब्स एंड बिलो इट इज द डायफ्राम, और इसके नीचे ऐसे नीचे क्या प्रेजेंट है, डोम शेप्ड डायफ्राम। तो डायफ्राम देखो कैसा है, ये देखो ये लंग्स है, ये लंग्स है, इन्होंने नॉच बना दिया, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब देखो पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, और मैंने फ्रंट से बनाया, तो फ्रंट की तरफ क्या दिख रहा है आपको, ये आपके पास स्टर्नम है, स्टर्नम, दिस इज एस सी ई आर एन यू एम, स्टर्नम है। अब देखो रिब्स, रिब दिखा देते हैं, तो ये रिब्स आ गई, ये आपके पास रिब्स हैं, ठीक है, ये रिब्स हैं। देखो हर तरफ से कवर्ड है, नीचे की तरफ से किससे कवर्ड होगा, नीचे की कवर तरफ से इसको एक ऐसे डिस्क लाइक फ्लैप सा स्ट्रक्चर इसको कवर करेगा, जो कि है एक डूम स्ट्रक्चर, डूम शेप का स्ट्रक्चर है, जिसको हमने कहा डायफ्राम, इसका नाम है डायफ्राम, ठीक है। अब ये डायफ्राम जब नॉर्मल शेप में है, रिलैक्स मोड में, तो रिलैक्स मोड में ऐसे होता है डूम की तरह, एक जो होता है ना छपरा, उसको क्या बोलते हैं, जो भी होता है डूम, उसकी तरह होता है, ठीक है। ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द थोरैकिक चैम्बर इन विच द लंग्स आर प्रेजेंट, तो ये सारा मिलके जो भी ये स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, और ये जो है रिब्स और डायफ्राम, इन्होंने एक जगह बना ली, एक चैम्बर बना लिया, जिसको हमने कहा थोरैकिक चैम्बर। थोरैकिक चैम्बर के अंदर लंग्स प्रेजेंट है। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सर्किट चैम्बर, थोरैकिक चैम्बर भाई, अगर थोरैकिक चैम्बर का वॉल्यूम चेंज हुआ, मतलब थोरैकिक चैम्बर अगर एक्सपैंड कर रहा है, दैट मीन्स लंग भी एक्सपैंड करेगी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम लंग्स के वॉल्यूम में भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब देखो इन्हेलेशन पे आते हैं, तो इन्हेलेशन समझना ध्यान से, इन्हेलेशन सबसे पहले इन्हेलेशन, देखो इन्हेलेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि पार्शियल प्रेशर आउटसाइड जो है वो ज्यादा हो अंदर की, अंदर से तभी तो गैस अंदर आ पाएगी ना। गैस कहां से ज्यादा कहां जाती है, गैस इसमें गैस कहां से कहां आ रही है, गैस कम्स टू इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आ रही है अंदर, तो बाहर का पार्शियल प्रेशर हमें ज्यादा चाहिए और अंदर का पार्शियल प्रेशर हमें कम चाहिए। बाहर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा चाहिए है और अंदर का पार्शियल प्रेशर कम चाहिए, तो हम बाहर के पार्शियल प्रेशर को तो चेंज कर नहीं सकते, हम तो अंदर के पार्शियल प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। तो अंदर के पार्शियल प्रेशर को चेंज करने के लिए हम अंदर का क्या करें, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, हमें कम करना है ना पार्शियल प्रेशर, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, देखना आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर आपने पढ़ा था तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, डिलीटेड है वैसे भी। पी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये चीज आपने पढ़ी है। तो अगर मुझे प्रेशर डिक्रीज करना है अंदर, प्रेशर को डिक्रीज करना है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा ना, तो इसीलिए हमने कहा कि जो थोरैकिक चैम्बर है वो खुद को एक्सपैंड करेगा। थोड़ा लैग आ रहा है क्या, अभी तो फॉर्मूला नहीं लिखा, अब सही चल रहा है। तो हमने कहा कि इसीलिए हमने कहा कि वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाने को मैंने कहा थोरैकिक चैम्बर क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। और वो एक्सपैंड कैसे कर सकता है, रिब्स बाहर की तरफ आए, रिब्स फूले ऐसे बाहर की तरफ है ना,
रिब्स ही हिल सकती हैं, सरम और वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं हिलेगा अपनी जगह से, तो रिब्स थोड़ी की तरफ, थोड़ी सी बाहर की तरफ आ जाए, और रिब्स में एक मसल प्रेजेंट है इंटरकोस्टल मसल, जो कि रिब्स के बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, याद रखना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं हमारे, इंटरनल रिब्स नहीं होते, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने क्या किया, इन्होंने एक्सपैंड किया, इनके एक्सपैंड होने से रिब केज का भी एक्सपेंशन हुआ, रिब केज भी एक्सपैंड किया, और इसके कारण क्या हुआ, रिब केज के एक्सपैंड होने के कारण वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर अंदर कम हो गया, अंदर प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ बट अभी और कम करना रहता है। सेकेंड जो है कम करेगा डायफ्राम, डायफ्राम पहले ऐसा डूम शेप था है ना, डूब शेप, यहाँ पे एक लंग थी यहाँ पे दूसरी लंग थी ऐसे था ना, अब देखो इनके बीच का वॉल्यूम थोड़ा कम है, अब जैसे मैंने डायफ्राम को बढ़ा दिया, डायफ्राम ऐसे था, अब मैंने उसको ऐसे कर दिया, तो ऊपर का वॉल्यूम बढ़ गया ना, पहले ऐसे था, पहले ज्यादा जगह घेर रहा था ऊपर, अभी कम जगह घेर रहा है ऊपर, तो ऊपर का वॉल्यूम और बढ़ गया, तो डायफ्राम जो है वो क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिससे वो फ्लैट हो गया, जिससे वो फ्लैट हो गया, फ्लैट होने के कारण अगेन थोरकिक चेम्बर में जगह बढ़ गई, थोरकिक चेम्बर में वॉल्यूम बढ़ गया, यानी पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो गया, अब अंदर पार्शियल प्रेशर कम है, बाहर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो इससे डायरेक्टली हमारे जो बाहर की एयर है वो अंदर नॉस्ट्रल्स के थ्रू चली जाती है, तो ये आपके पास इनहेलेशन है, तो इनहेलेशन में देखो मैं क्या क्या लिख के लेके आया था, सब कुछ यही था सेम, फॉर इनहेलिंग द एयर द प्रेशर आउटसाइड द बॉडी शुड बी ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर इनसाइड द बॉडी, फॉर दिस वी नीड टू लोअर डाउन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी थ्रू द चैम्बर, हम चैम्बर के वॉल्यूम को कम करेंगे तो पूरा जो है बॉडी का थोड़ी प्रेशर कम करना है, हमें बॉडी का वॉल्यूम कम नहीं करना, थोरकिक चेंबर, यहाँ पे थोरकिक चेंबर आएगा, थोरकिक चेंबर का वॉल्यूम हमें क्या करना है, ज्यादा करना है, ओए फॉर दिस वी नीड टू लोअर डाउन, नहीं भाई हमें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाना है, उसके लिए डायफ्राम में क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, फ्लैट बन गया, पहले डूम था अब फ्लैट हो गया, इससे वॉल्यूम बढ़ गया, किस डायरेक्शन में, देखो डायफ्राम वॉल्यूम को कम किस 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 डायरेक्शन में रख रहा होगा, देखो अगर मैंने कहा कि ऐसे है कुछ चीज प्रेजेंट, तो इस साइड का वॉल्यूम ये कंट्रोल कर रहा है क्या, कि ऐसे कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, नहीं, ये तो ऊपर नीचे का वॉल्यूम कंट्रोल कर रहा होगा, तो इसलिए मैंने इसको कहा कि यार ये एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर जगह कैसे बढ़ेगी, देखो ऐसी कोई चीज थी प्रेजेंट है ना, पहले जगह इतनी है, अब ये फ्लैट हो गई तो जगह और बढ़ गई, कैसे में बढ़ी, हाइट में बढ़ी, हाइट में बढ़ी, तो ऊपर ऊपर का होता है एंटीरियर एंड, नीचे होता है पोस्टीरियर एंड, तो इसलिए हमने कहा कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जबकि अगर हमने साइमल्टेनियसली इसी टाइम पे इंटरकोस्टल मसल्स, जो मैंने आपको बताया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी क्या कर रहे होते हैं, वो भी क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, साइमल्टेनियसली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम की मूवमेंट कैसी हो रही है, आउटवर्ड हो रही है, नहीं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मतलब वो भी एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, अगेन द वॉल्यूम ऑफ चैम्बर इंक्रीजेस इनडोर्स, इनडोर्स चैम्बर का वॉल्यूम फिर से बढ़ गया ओवर द डायरेक्शन लीडिंग, अच्छा अब कौन से डायरेक्शन में होगा, अब होगा पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर तो हो गया, अब है डोर्सल वेंट्रल, डोर्सो वेंट्रल, यहां पे डोर्सो वेंट्रल था, इट इज डोर्सो वेंट्रल, अब जो है वो डोर्सो डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में, डोर्सो वेंट्रल मतलब ऐसे ऐसे कोई एरिया बढ़ रहा है ना, ऐसे का एरिया पीछे और आगे, ये वाला एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये वाला एरिया बढ़ गया, जैसे एक्सपेंड कर, तो ये वाला एरिया बढ़ गया और उससे प्रेशर कम हो गया और अब एयर अंदर आ सकती है, एक्सेलेरेशन में बिल्कुल इसका उल्टा है, एक्सेलेरेशन नहीं है एक्सेलेरेशन है, फॉर एक्सेलेरेशन द पार्शियल प्रेशर इनसाइड शुड बी मोर देन द आउटसाइड, अंदर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ही अंदर से एयर बाहर जाएगी, अंदर का प्रेशर ज्यादा करने के लिए हमने अंदर का वॉल्यूम कम कर दिया, इसलिए हमने कहा कि हम अपनी जो एक्सपेंशन थे उसको रोक के अब हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या किया अंदर का वॉल्यूम कम कर दिया, फॉर दिस वी नीड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ आर थोरैकिक चैम्बर टू अचीव द सेम द डाई फ्रॉम नाउ है, डाई फ्रॉम नाउ, डायफ्राम भाई डायफ्राम, अब डायफ्राम पहले ऐसा हो गया था, फिर से रिलैक्स हो जाएगा, फिर से रिलैक्स हो जाएगा, अगेन रिलैक्सेस एंड कम बैक टू ओरिजिनल डूम पोजिशन, फिर से डूम से शेप में आ गया, नाउ द वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ,
नाउ द वॉल्यूम डिक्रीज इज इन अ स्टेट नहीं इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन. पहले एंटीरियर पोस्टीरियर में वॉल्यूम बड़ा था, अब एंटीरियर पोस्टीरियर में वॉल्यूम कम हो जाएगा. सिमिलरली मोर प्रेशर आएगा, लेस वॉल्यूम हुआ. मोर ओवर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो भी रिलैक्स कर देंगे सेम टाइम पे, उसके कारण जो है डॉर्सो डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में आपका जो है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. और वॉल्यूम डिक्रीज होते ही आपका अंदर का प्रेशर बढ़ गया. अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, इसलिए अंदर से गैस बाहर जा पा रही है. नेक्स्ट, नॉर्मल एडल्ट कितने टाइम ब्रीद कर लेता है एक बार में? 12 से 16 पर मिनट. हर मिनट में 12 से 16 बार ब्रीद कर लेगा, ये नॉर्मल. ठीक है, अब हम आते हैं स्पायरोमीटर पे. स्पायरोमीटर इज द डिवाइस जो कि हमारे अंदर जो वॉल्यूम्स वगैरह हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से, एक्सेप्ट द रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम इज फिक्स्ड, जो कि आपको आगे पता चलेगा. रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज आर ऑब्टेंड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को कंबाइन करोगे तो आपको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी. अब पार्ट आ रहा है वॉल्यूम्स वाला, तो इसको आप ध्यान से सुनना है. यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो देखो, सबसे पहले मैंने कहा टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम वो जैसे अब हम आपस में नॉर्मल सांस ले रहे हैं ऐसे, तो इस नॉर्मल ब्रीदिंग में, नॉर्मल इनहेलिंग एक्सहेलिंग में मैं कितना वॉल्यूम ऑफ गैस का एक्सचेंज कर रहा हूं, कितना वॉल्यूम अंदर कर रहा हूं, कितना वॉल्यूम बाहर. ठीक है, नॉर्मली जितना एक्सहेल कर रहा हूं या जितना इनहेल कर रहा हूं उसको मैंने कहा टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मली आप कितना इनहेल कर लेते हैं? 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट. याद रखो 6000 से 8000 मिलीलीटर एक मिनट में कर लेते हो. ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं मैं ये. ठीक है ना, तो देखो इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं. ग्राफ बना लेते हैं इसका. एक नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब ये देखो, ये नॉर्मल ब्रीदिंग है. नॉर्मल ब्रीदिंग ये इनहेलेशन होगी, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन. बट मैंने कहा कितना है ये इनहेलेशन वाला, दिस इज 6000 टू 8000 ml. फिर मैंने कहा, मैंने जबरदस्ती सांस ली. जबरदस्ती सांस लेने के बाद जो इसके अलावा मेरे पास आया, इसके अलावा मैंने जबरदस्ती सांस ली, तो जबरदस्ती सांस लेने के बाद कुछ ना कुछ एयर इनहेलेशन में बढ़ी होगी. ये देखो ये बढ़ गई, कुछ इनहेलेशन वाली एयर बढ़ी है ना. और इस इनहेलेशन वाली एयर को मैंने क्या कहा, इसको मैंने जो जबरदस्ती सांस लेने पे आई इसको मैंने कहा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जो हमें इंस्पायर कर पा रहा हूं बट मैंने रिजर्व करके रखी है किसके लिए, किसी मुसीबत के लिए. तो ये है आपके पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसकी कितनी वैल्यू होगी, मतलब यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम कितना होगा, ये है आपके पास 2000 से 2500, 2500 से 3000, 2500 से 3000 मिलीलीटर, 2500 से 3000 मिलीलीटर. ओए टाइडल वॉल्यूम 6000 से 8000 कैसे लिखवा दिया मैंने, 500 मिलीलीटर था टाइडल वॉल्यूम. वही बोलूं टाइडल वॉल्यूम इतना ज्यादा कैसे हो गया. ठीक है, वो 6000 से 8000 कुछ और है. नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 है या 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में हम 16 बार सांस ले रहे हैं, तो 16 को 500 से मल्टीप्लाई करा तो 8000 आया, 16 को 6000 से मल्टीप्लाई किया तो 12 को 6000 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 6000. तो मैंने इसीलिए आपको 12 से 16 बताया था, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट आपके पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसकी वैल्यू भी आपको बता दी. ऐसे ही नॉर्मल एक्सपिरेशन देखो, इसके बाद फिर से नॉर्मल एक्सपिरेशन वगैरह स्टार्ट हो गई. तो देखो नॉर्मल एक्सपिरेशन क्या है, ऐसे होगी ना, नॉर्मल एक्सपिरेशन, फिर नॉर्मल इंस्पिरेशन हुई, फिर आफ्टर दिस नॉर्मल इंस्पिरेशन फिर से एक्सपिरेशन हुई, ये एक्सपिरेशन हो गई. अब इस एक्सपिरेशन इस ये है आपके पास टाइडल वॉल्यूम ना, ये तो ठीक है. अब मैं इस एक्सपिरेशन के अलावा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के अलावा, और मैं कितना एडिशनल एक्सपायर कर सकता हूँ, जबरदस्ती फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ये कि एडिशनल मैं कितना एयर को बाहर निकाल सकता हूँ वो बताओ. तो ये थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थोड़ी क्या काफी कम होती है. ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि होगी 1100 से, मतलब 1000 से 1100. एक्सपेरिमेंट करके देख लो, है ना, जबरदस्ती आप एयर को बाहर निकालने की कोशिश करो. जबरदस्ती आप एयर को बाहर निकालोगे तो कम निकलेगी, अंदर रहोगे तो देखो कितनी सारी एयर अंदर ले गया, है ना. और अगर मैंने बाहर निकाली बस दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं निकाल पाऊंगा. तो जबरदस्ती आप बाहर निकाल पा रहे हो वो कम होगी एज कम्पेयर टू जबरदस्ती आप अंदर कर रहे हो. ठीक है, तो ऐसे आप याद रख लो कि इनके वॉल्यूम्स का क्या रिलेशन होगा. ERV शुड बी ग्रेटर देन IRV. ठीक है, तो ये देखो ERV 1000 से 1100 और फोर्सफुल एक्सपायरेशन की मदद से. अब इसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम, जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हूं,
एक्सहेल कर रहा हूँ और मैंने जबरदस्ती एक्सहेल कर दिया, उस जबरदस्ती एक्सहेलेशन के बाद भी जो वॉल्यूम आपकी उसके अंदर बचा रह गया, किसके अंदर बचा रह गया, आपकी उसके अंदर लंग्स के अंदर बचा रह गया, वो है क्या? वो है आपके पास रिजर्व वॉल्यूम या रेजिडुअल वॉल्यूम कह लो उसको। रेजिडुअल वॉल्यूम कहाँ है? ये है शायद, नहीं ये देखो, रेजिडुअल वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज इन द एयर, और जो आपकी लंग्स के अंदर प्रेजेंट ही रहेगा, बोलो जी, जो आपकी लंग्स के अंदर प्रेजेंट ही रहेगा और वो आप बाहर नहीं निकाल सकते। बाहर नहीं निकाल सकते मतलब चाहे आप जितना मर्जी फोर्सेबल एक्सपिरेशन कर दो वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, वो फिक्स्ड है। कितना? 1100 से 1200 मिलीलीटर, यार ये मिलीलीटर है नॉट एमएम, ठीक है, तो 1100 से 1200 मिलीलीटर, ठीक है ना, बोलो डाउट। मैसेज रिट्रैक्ट क्यों हो रहा है ये बार बार, मत करो इसको प्लीज। अब हम आते हैं कैपेसिटी पे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो कि आप टोटल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हो एयर का विदाउट फोर्सिबल इंस्पिरेशन भी कर सकते हो, है ना, तो जो आप टोटल वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हो आफ्टर अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन उसको हमने कहा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब देखो ग्राफ कहाँ गया, वो नॉर्मली मैं टाइडल वॉल्यूम ले रहा हूं, बट अगर मैंने कहा कि टोटल कितना कर सकता हूं मैं, टोटल तो ये हो गया ना, टोटल ये हो गया, इसको मैंने कह दिया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको मैंने कह दिया इंस्पिरेटरी। टीवी टीवी है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो कि आपकी लंग्स के अंदर, मतलब जो भी आप नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो ना, जैसे आप सांस ले रहे हो नॉर्मल, कितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है या कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है, उसको आपने कहा टीडी टीवी, टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 500 मिलीलीटर होती है। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आप इंस्पायर कर पा रहे हो आफ्टर अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है, मतलब फोर्सिबल इंस्पिरेशन की मदद से आप कितना इंस्पायर कर पा रहे हो, है ना, और एक्सपिरेशन नॉर्मल होनी चाहिए, इससे पहले जो एक्सपिरेशन हुई है वो नॉर्मल होनी चाहिए। देखो इट इज प्रिंटेड बाय आईसी, क्या ये टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन करी उसके बाद आप कितना कर पा रहे हो और कितना कर पा रहे हो जबरदस्ती, जबरदस्ती कितना कर पा रहे हो, तो ये किसका सम हुआ, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास ये मिलेगा, बिकॉज टाइडल वॉल्यूम वो है जो कि आप नॉर्मल कर पा रहे हो और आफ्टर दैट फोर्सिबल के बाद उसके अलावा ये कर पा रहे हो, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपको पता चलेगा ना टोटल कितना आप इंस्पायर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भाई स्पेलिंग देखो यार, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो कि आप टोटल एक्सपायर कर पा रहे हो आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन, बट एक्सपिरेशन में आपको फोर्सिबल एक्सपिरेशन भी काउंट करना है, ठीक है, देखो नॉर्मल, देखो नॉर्मल इनहेल करना है पर एक्सहेल जितना मर्जी जोर लगा के कर सकते हो, ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो कि आप नॉर्मल एक्सहेल कर पा रहे थे और जो आपने जबरदस्ती एक्सहेल किया था ईआरवी, वो दोनों ऐड करके आप क्या बना नहीं सकते एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी टोटल, अच्छा देखो आप अपने नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो ना, वो तो देखो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता था कि आप फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर रहे हो उसके बाद कितना बचा, बट ये है कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो आपकी लंग के अंदर कितना बच रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर आपकी लंग के अंदर कितना बढ़ रहा है, नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं, नॉर्मल एक्सपिरेशन होगा, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपकी बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर कितनी एयर बच रही है उसको मैंने कह दिया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो ये कैसे निकाली जाएगी, इट इज द सम ऑफ एक्सपिरेटरी, क्या लिखा यार, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम आपने क्या ऐड कर दिया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या है, देखो वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी को ध्यान से सुनना है, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वाइटल कैपेसिटी क्या है और टोटल लंग कैपेसिटी क्या है। वाइटल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एग्जामिन, एग्जामिन क्या, कैन एक्सहेल इन, कैन एक्सहेल, एक पर्सन कितना एक्सहेल कर पाता है आफ्टर अ सक्सेसफुल, सक्सेसफुल नहीं होगा, आफ्टर अ फोर्सफुल होगा, आपने फोर्सफुली इनहेल किया, फोर्सफुली इनहेल, इनहेल कर दिया, देखो उसके बाद आप कितना वॉल्यूम एक्सपेल कर सकते हो अपनी बॉडी से, नॉर्मल एक्सपिरेशन करनी है और, ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन करनी है, इनहेलेशन जबरदस्ती, एक्सपिरेशन नॉर्मल, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, एक्सपिरेशन जबरदस्ती कर दो, इनहेलेशन नॉर्मल कर दो, वो भी चलेगा, उसका वो जो टोटल निकलेगा वो होगा आपके पास वाइटल कैपेसिटी। और ये किस किस का सम होगा, देखो
टाइडल वॉल्यूम जो कि आप नॉर्मल एक्सपायरेंट इंस्पायर कर रहे हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बिकॉज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, जो आपने एडिशनल किया प्लस टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आपके पास चला जाएगा बाहर। देन टोटल लंग कैपेसिटी में सेम है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जो आपके पास वो दूसरा रिजर्व वॉल्यूम था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और साथ में एक इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा। सिंपल रेजिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर दो। ये टोटल अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स कितना टोटल अमाउंट ऑफ एयर कैरी कर सकती हैं एट अ टाइम आफ्टर अ फोर्सफुल, या जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, उसको हमने कह दिया है टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट विद दिस हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को इफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर यार, देखो मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया था है ना, ये वाला, इसमें ये जो लेयर है ये मैंने कहा था कि वन सेल थिक है, वन सेल थिक। अगर ये ज्यादा मोटी होती ना तो डिफ्यूजन में दिक्कत आ सकती थी, तो इसलिए थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी थिक है वो भी आपके लिए मैटर कर रही है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मैटर करती है। सेकेंडली यानी टू पॉइंट क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, कौन सी गैस कितना घुल पाती है ब्लड के अंदर, जो ज्यादा घुलेगी वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोर है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और कितना कितना गुना ज्यादा डिसॉल्व हो सकती है, 25 गुना ज्यादा, 20 से 25 टाइम ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो ज्यादा सोल्यूबल होगी उसको आप ज्यादा आसानी से कर पाओगे। इसके थिंकिंग के बारे में बताइए, इसके थिंकिंग के बारे में बताना है, वॉल्यूम के बारे में कि ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। थिकनिंग, थिकनिंग तो बता तो दिया, थिकनिंग ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, वन सेल थिक है, सिर्फ एक सेल जितनी मोटी होगी ताकि आसानी से मटेरियल आसपास में ट्रांसपोर्ट हो सके, गैसेस ट्रांसपोर्ट हो सके आसानी से, डिफ्यूजन आसानी से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बता दिया सॉल्युबिलिटी। तीसरा जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर। हाँ जी, लाइव है, बिल्कुल लाइव है फैक्ट 40। पार्शियल प्रेशर, देखो पार्शियल प्रेशर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि पार्शियल प्रेशर डिपेंड कर रहा है ना, पार्शियल प्रेशर ज्यादा हमने क्यों किया था अंदर, क्योंकि ताकि बाहर से एयर अंदर आ सके, है ना। तो जहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वहां से वो एयर जाएगी, तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा से कम में जाता है ना, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर जाएगा। तो इसीलिए जब एल्वियोला से आपको ऑक्सीजन अंदर लेके आनी है तो एल्वियोला में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। सिमिलरली अंदर से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजनी है तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर के अक्रॉस जाती है, यानी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ही ट्रांसपोर्ट होता है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर, डेफिनेशन दे दी है। एंड एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, इंपॉर्टेंट, तो ये वाला पॉइंट है, डेफिनेशन आप रट्टा मार ही लोगे। तो यहां से अब आप इस डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करना, इनमें ना कई सारे आपको ये लिखे हुए हैं पार्शियल प्रेशर के डाटा, देखो डाटा कई सारा लिखा है, 104, 40, ठीक है, ये डाटा जो है ये आपको समझना पड़ेगा, देखना ध्यान से, इस डायग्राम को ध्यान से समझना, इसी डायग्राम के थ्रू मैंने आपको डाटा भी एक्सप्लेन कर दिया है। देखो आपके अंदर आई इंस्पायर्ड एयर, आपने कुछ वॉल्यूम को अपने अंदर करा होगा ना, उसको बोलेंगे इंस्पायर्ड एयर। उस इंस्पायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटिव में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बस ये याद रख लो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 104 है, और बाकी कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं ऑक्सीजन के, आपको पार्शियल प्रेशर मिल सकते हैं 104 मिलेगा, 95 मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा 40 mmHg, बस इतना याद रखो 40 mmHg, ये सारे आपको मिलेंगे। फिर बाकी का आप ये इस चीज से देख लोगे ना कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम, वो तो आप कैसे पता कर सकते हो, कहाँ से किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उससे पता चलेगा। देखो डिटेल में बता रहा हूँ, देखो मैंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104, अब यहां से वो अंदर चली जाएगी किसके अंदर, कैपिलरी के अंदर, कौन सी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी, पहले एक्सप्लेन कर दिया, यहां से ऑक्सीजन अंदर गई, जैसे ही अंदर गई उसका पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, देखो अंदर का पार्शियल प्रेशर कम ही रखना ना आपको, अभी के लिए कम ही रखना अंदर का, तो 104 से तो कम होना चाहिए, 104 से कम होना चाहिए, बट वैसे इन दोनों में से जरूरत ज्यादा, तो अंदर यहाँ पे आएगा 95 mmHg, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे अंदर है क्या है, 95 mmHg है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का दो ही पार्शियल प्रेशर पॉसिबल है, एक 45 और एक 40। देखो अगर अंदर 40 है, सॉरी एल्वियोला के अंदर 40 है, आपको कैपिलरी से एल्वियोला तक लेके जानी है, तो कैपिलरी में ज्यादा होना चाहिए, कैपिलरी में ज्यादा होना चाहिए, तो कैपिलरी के अंदर कितना होगा, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी इज 45 mmHg, बिकॉज दो ही पॉसिबल है आपकी बॉडी के अंदर,
तो उन दोनों में से एक तो उन्होंने लोअर वाला इधर दे दिया, तो हायर वाला यहाँ पे होगा ताकि हायर से लोअर इसका ट्रांसपोर्ट हो सके। हायर से लोअर इसका ट्रांसपोर्ट करना है ना, उस चीज को ध्यान से देखना है आपको। अब ये देखो डाटा डाटा आपको मैं ऐसे याद करवा रहा हूँ, ट्रिक से याद करवा रहा हूँ। ऑक्सीजन की आपकी बॉडी के अंदर यही तीन प्रेशर पॉसिबल है और कार्बन डाइऑक्साइड के ये दो प्रेशर पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 95 है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आई 45 mmHg। अब पल्मोनरी वेन से हार्ट में गया लेफ्ट साइड, ठीक है, और फिर यहां से होके गया यहाँ पे, ठीक है, यहां से होके गया यहाँ पे। अब ये सेल के अंदर जा रहा है, अब सेल के अंदर ऑक्सीजन भेजनी है, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन भेजने के लिए अब जो है ये इसके अंदर इस वेन के अंदर आर्टरी के अंदर जो है ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, सेल के अंदर भेजनी है, मतलब यहां से यहां जानी है, यहां से यहां जानी है। ये सेल है और ये जो आपके पास ये वाली है, ये वाली सिस्टमिक आर्टरी जो कि आओटा होगी ना, ये आओटा है, आओटा से जाएगा इसके अंदर। तो आओटा में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है तो आओटा में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ऑक्सीजन के तीन प्रेशर बोले, एक तो सिर्फ एल्वियोला में है, अब इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है 95, तो यहां पे भी इसका पार्शियल प्रेशर 95 ही रहेगा, बिकॉज रास्ते में कहीं एक्सचेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहां पे भी इसका पार्शियल प्रेशर सेम रहता है। सेकेंडली कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम ही रहेगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज नहीं हुआ है। एक मिनट प्लीज रिप्लाई मी अंकित जी, रिप्लाई तो कर दिया बेटा, पूछना क्या चाह रहे हो, पूछो तो सही, तो रिप्लाई करूंगा। अच्छा ओके ओके ओके, एक मिनट देखो, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा। क्यों कम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने कहा दो ही पार्शियल प्रेशर ज्यादा आपको मिलेंगे, 45 और 40। अब क्योंकि सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे जानी है, बाहर जानी है, सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है ना, तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। सेल के अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया और इसके अंदर कम हो जाएगा, तो इसके अंदर इसलिए उन्होंने लिखा है 40, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है और बाहर कम है। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन का लिखना, तो वो कितना लिखूंगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन सेल के अंदर आनी है, बाहर से अंदर आएगी, बाहर ऑक्सीजन का 95 है, अंदर कितना होगा 40, तो ऑक्सीजन का है 40 mmHg। ये मेरे ख्याल से क्लियर है। देखो 40 mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड 45 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको इस चीज के बारे में बताया गया है। फिजिक्स कब स्टार्ट करोगे? फिजिक्स तो चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, बट अगर आपको पढ़ना है फिजिक्स ना, तो मैं 12 बजे रात को 12 बजे जूम पे क्लास ले रहा हूँ, तो वहाँ पे आप आ सकते हो। मैं उसको आपको पता है कम्युनिटी टैब में उसका लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ रोज, ठीक है। तो आप, दो दिन हुए अभी, तो ज़्यादा दिन हुए नहीं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड स्टार्ट करा है, दो लेक्चर हुए हैं उसके, आज तीसरा लेक्चर है, ठीक है, आप वहाँ से आके देख सकते हो। नए सेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है, बट यूट्यूब पे भी लेक्चर आएंगे, तो वो तो इस 5 मई के बाद आएंगे, ठीक है। ये सिस्टमिक वेन है, इसको आपने कहा वीना कावा। अब वीना कावा इसको लेके जा रही है, कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट तो है, बट कार्बन डाइऑक्साइड से कम है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, ऑक्सीजन 40 है, इसलिए इसको कहा डीऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। केमिस्ट्री में भी टाइम है, केमिस्ट्री का तो सिंपल आपका एंड में ही आएगा बैच 5 मई के बाद 2025 वालों के लिए। अब देखो यहां पे चला गया, इससे की जाएगा बाहर, बाहर जाते वक्त अब देखो यहां से फिर से वही अंदर से बाहर जानी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, यानी यहां पे भी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रहेगी, 45 ही रहेगी, बिकॉज कहीं पे भी एक्सचेंज नहीं हुआ तो अंदर 45 ही रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन अंदर कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे अंदर कितनी है ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, ये तो एल्वियोला के अंदर प्रेजेंट होगी, इन दोनों में से कम कौन सी आप लोगे, ये वाली, तो अंदर ऑक्सीजन 40 होगी। मेरे ख्याल से ये सारे प्रेशर आपको क्लियर हैं, और ये सारे प्रेशर के साथ साथ जो एक्सचेंज हुआ गैसेस का वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाद में देखेंगे, पहले जो आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल सा बना है इसके बारे में वो देखो, ये देखो ये आपका टेबल बना है, तो इसको आप ध्यान से देखना एक बार टेबल को, जो मैंने बताया क्या वही डाटा नहीं दिया हुआ। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो एटमोस्फेरिक एयर में 159 है और CO2 0.3, ये नहीं बताया था, बाकी सब बताया था, है ना, तो ये नोट कर लो। एल्वियोलाई में 104 और 40, ठीक है, ब्लड में 40 45 95 40 40 45 40 40 95, ये मैंने आपको सेम बताया था। कहाँ से हो भैया, हम अभी तो यूट्यूब पे हैं, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तीन तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। सबसे पहला थ्रू प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुल गई और घुलते घुलते जा रही है, तो इन द फॉर्म ऑफ, ये तो बाद में देखेंगे। देखो ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसफर्ड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुलते घुलते जा रही है।
ओनली 3% ऑक्सीजन इस मेथड से ट्रांसफर होगी। ठीक है, दो मेथड से हो सकती है, एक मेथड मैंने आपको बता दिया। दूसरा मेथड है वो हीमोग्लोबिन के अंदर जाए, हीमोग्लोबिन के अंदर गई, हीमोग्लोबिन के ऊपर बाइंड हुई है, हीमोग्लोबिन के ऊपर बाइंड हो गई, तो हीमोग्लोबिन के ऊपर जुड़ गई। एक हीमोग्लोबिन के ऊपर चार ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और 100 मिलीलीटर आपके पास जो ब्लड है, देखो 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अगर, तो उसके अंदर सिर्फ 20 ml एयर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, फिर भी हमने उसको ऑक्सीजनेटेड कहा है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पड़ रहे थे। तो एक है हीमोग्लोबिन वाला मेथड, हीमोग्लोबिन वाला मेथड से 97% ऑफ ऑक्सीजन इस मेथड से ट्रांसफर होगी। कैसे? हीमोग्लोबिन के ऊपर आके बाइंड कर जाएगी और क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया उसने? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके अंदर पूरा का पूरा ट्रेवल करवा रहा होगा इसको। ठीक है, अब देखना हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे आते हैं, तो इससे पहले मैं इसको आपको थोड़ा रीड करवा देता हूँ। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज अ सिग्मोइड कर्व और अ एस शेप्ड कर्व बिटवीन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। मैंने कहा, हमने क्या किया, इस साइड लिख दिया परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कितना आपके पास ऑक्सीजन आ रहा है, हमने यहाँ पे वो लिख दिया। और यहाँ पे मैंने लिखा क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इस साइड लिखा। अब देखो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और ज्यादा बाइंड होती जाएगी, हीमोग्लोबिन के अंदर। देखो पहले ऐसी थी, अभी ऐसी हो गई, बट एक टाइम आएगा कि उसके अलावा उससे ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन, बिकॉज उसकी कैपेसिटी कितनी है, लगभग मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल की है, तो बस 4 उसने पकड़ लिए। तो ये आपके पास ये आ गया इसका सैचुरेशन पॉइंट, जो कि 97-98% होता है, 97-98% नहीं होता, ये 100% पे नहीं रुका है, ये 97-98 पे रुक जाता है, बट हम ऐसे मान लेते हैं कि आइडियल कंडीशन है तो 100 मान लेते हैं जस्ट। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का कर्व है, जो कि एस कर्व मिल रहा है। अब एक और चीज देखना, आपको एनसीईआरटी कहती है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरी करता है, 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 20 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो कैरी होगा। 100 ml ब्लड है, पहले ये देखो एंड में बात करते हैं, उसमें 20 ml ऑक्सीजन है, 100 मिलीलीटर ब्लड में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या हम इस ऑक्सीजन को सारी की सारी को एक साथ ही ट्रांसफर कर लेंगे या एक साथ ही इसको यूज कर लेंगे? नहीं, जब हमें ज्यादा चाहिए तो हम इस 20 की 20 को यूज कर लेंगे। ऐसे मैं भाग रहा हूँ, भागते भागते सांस चढ़ रही है ना, उस टाइम पे मैंने ये 20 की 20 ml ऑक्सीजन को यूज कर लिया, उस टाइम पे आपका ग्राफ यहाँ पे कहीं पहुंचा हुआ है। बट अगर आपको कम चाहिए तो आप इस 20 में से 18 यूज कर लो, 16 यूज कर लो, बाकी जो बच गई वो आप बाद के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया ये वाला पॉइंट भी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन, अच्छा या अब इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि ग्राफ कहीं शिफ्ट हो सकता है। ऐसे मान लो क्या पढ़ा रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो मैंने कहा कि क्या ये ग्राफ शिफ्ट हो सकता है, मैंने माना कि राइट साइड शिफ्ट हो गया। राइट साइड शिफ्ट होने के बाद कम ऑक्सीजन पे आपको ज्यादा मिल रहा है? नहीं, कम ऑक्सीजन पे देखो ऑक्सीजन उतनी है, पहले उसी ऑक्सीजन पे आपको ज्यादा हीमोग्लोबिन मिल रहा था, अब उसी ऑक्सीजन पे आपको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम मिल रही है, उसी पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जब मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ ना तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है। किस शिफ्ट में? राइट शिफ्ट में। राइट शिफ्ट का मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो गए। किसको पढ़ा रहे हो? अगर कोई अभी नहीं देख रहा तो जो बाद में देखेंगे उनको पढ़ा रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया। सेकेंडली, अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ चुका होगा, ठीक है ना ये। और पीएच के बारे में भी बात कर लेते हैं, पीएच कम हो जाती है यानी एच पॉजिटिव की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। कैसे याद रखो? किसी एक से याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड और एच पॉजिटिव, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा वही एच पॉजिटिव के साथ होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने तीन चीजें बता दी हैं। अब चौथी चीज है टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इस टाइम पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो ये है राइट शिफ्ट के बारे में। राइट शिफ्ट माने हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है वो डिसोशिएट हो गए, अलग अलग हो गए, जुदा जुदा हो गए, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने ऊपर भेज दिया कर्व को, कर्व को ऊपर भेजा तो कम पार्शियल प्रेशर है, मतलब सेम पार्शियल प्रेशर पे पहले आपको नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन कम मिल रही थी, अब ऑक्सीजन ज्यादा जुड़ी हुई है, इससे आपको ये पता चला कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अब बढ़ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, और बाकी सारी चीजें जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कम हो रही थी, यानी टेम्परेचर कम हुआ और एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन भी कम हुई है, यानी पीएच जो है वो बढ़ चुका है।
ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, यही आप लिख के भी लेके आया हूँ। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द पीएच इज लो विद हाई टेम्परेचर, लो पीएच है और हाई टेम्परेचर है, द डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू राइट शोइंग द डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। अच्छा, इससे क्या पता चला, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गई। सेकेंड, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये प्राइमरी किससे रिलेट कर रही है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो जुड़ी रहेगी, अगर कम हो गया तो वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अब कम कब होगा, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया तो वो कम हो जाता है, तो कुछ फैक्टर्स हैं, एडिशनल फैक्टर्स जो कि इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है, टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, यहाँ पे एच पॉजिटिव होगा, एच पॉजिटिव। ठीक है, एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। मेरे ख्याल से यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपके डिजीजेस बचेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। सबसे पहला, वो डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो जाए। माना कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजोल्व होती है ना, बट ऑक्सीजन से ज्यादा डिजोल्व होती है, तो ऑक्सीजन 3% थी जो कि डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो रही थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 7% जो है वो ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व होकर जाती है, घुल के जाती है, उनमें घुल जाएगी और फिर वो मूव करेंगे तो उनकी तरह चली जाएगी। सेकेंड, इन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, इन फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के चली गई। ठीक है, ये भी कम होती है, सिर्फ 20-25%। और 70% कार्बन, 70% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी, एज बाइकार्बोनेट यानी HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में जाती है 70%। तो ये कैसे बना होगा HCO3, देखो कैसे बनते हैं ये, जिससे आपके सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई, सेल के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, 20 कार्बन बाइकार्बोनेट आर फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि इसके ऊपर एक्ट करता है। इससे आपको एक चीज मिलेगी जिसको हमने कहा H2CO3। अभी हमें ये तो मिला नहीं, तो इसके ऊपर फिर से ये एंजाइम एक्ट करेगी, कौन सी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, फिर से एंजाइम एक्ट करी बिकॉज एंजाइम एक्सेस में है, तो एक्ट करती जाएगी और ये क्या बना देगी, HCO3 नेगेटिव बना देगी, और इसको हमने कहा बाइकार्बोनेट। और इस फॉर्म में आपकी कई सारी ऑक्सीजन, 70% ऑक्सीजन जैसे ट्रांसफर होती है। तो ये देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एक चीज रहेगी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए एक केमिकल रेस्पिरेशन, केमिकल रेगुलेशन है, एक न्यूरल रेगुलेशन है, केमिकल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन। देखो, तो ब्रेन में आपको रेस्पिरेटर, अगर मान लो रेस्पिरेटरी रिदम को आपको थोड़ा कंट्रोल करना है तो कैसे कर सकते हो, न्यूरल सिस्टम की मदद से कर सकते हो। न्यूरल सिस्टम में एक स्पेशलाइज सेंटर है, कहाँ पे, मेडुला रीजन में, जिसको हमने कहा रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन। ये रेगुलेट करेगा प्राइमरीली, बाकी जो रेगुलेट करवाएंगे वो इसी की मदद से करवा पाते हैं। एनदर सेंटर जो कि पॉन्स रीजन में प्रेजेंट है, ब्रेन के पॉन्स रीजन में प्रेजेंट है, दूसरा सेंटर जिसको हमने कहा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये भी मॉडरेट कर सकता है किसको, हार्ट रेट को, हार्ट रेट को नहीं मतलब वही बात होगी ना, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम बढ़ानी है कम करनी है, ये भी इसको रेगुलेट कर सकता है। तो ये मैसेज किसको देता है, RRC को देता है, और RRC वो चेंज इंड्यूस करता है जो भी करना है। ठीक है, तो ये भी खुद से काम नहीं कर रहा होता, किसको काम दे रहा है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को ही काम दे रहा है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। आप इंस्पायर करने में कम टाइम ले रहे हो, मतलब आप जल्दी जल्दी इंस्पायर कर रहे हो, है ना, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो, दैट मीन्स आपका सांस लेने का रेट बढ़ गया। किसने कंट्रोल करवाया, ऑक्सीजन ने करवाया, किसके थ्रू करवाया, मेडुलर रीजन के थ्रू करवाया, मेडुलर रीजन में जब के पास रिदमिक सेंटर है उसकी मदद से करवाया। अ केमो सेंसिटिव एरिया, अब ये केमिकल वाला बात आ गई कि केमिकल्स कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अ केमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, रिदम सेंटर के पास ही एक एरिया प्रेजेंट है, केमो सेंसिटिव है, मतलब कोई भी केमिकल अगर कम ज्यादा हुआ तो वो उसको सेंस कर लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर लेगा और एच पॉजिटिव को सेंस कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड या एच पॉजिटिव अगर बढ़ रहा है तो उसके लेवल को कम कर देगा या ज्यादा कर देगा, वो इसके ऊपर है। ठीक है, हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अगर ये ज्यादा हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, तो ये सेंटर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और ये उसको कम करने के लिए एडजस्टमेंट करेगा इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस बाय विच द सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई आपकी बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, आपको ऑक्सीजन बढ़ानी है, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, सांस लोगे, जल्दी 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 और जल्दी सांस लोगे, तो ये वही है। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द aortic आर्च एंड
कैरोटिड आर्टरी कैन ऑल्सो रिकोगनाइज चेंजेस इन CO2 एंड H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदमिक सेंटर इन रेमेडियल एक्शंस। तो यही है कि aortic arch और कैरोटिड आर्ट्स में भी कुछ आर्टरी में भी आपके पास कुछ ऐसे वो हैं क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स कह लो या कुछ ऐसे है ना आपके पास रिसेप्टर्स हैं जो कि क्या करेंगे जो कि आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहीं आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो नहीं होगी एच पॉजिटिव ज़्यादा तो नहीं हो गए। अगर हो गए तो फिर ये बोलेंगे कि रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा दो रेट ऑफ ब्रीदिंग में चेंज कर सकते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिदमिक सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट है। आपने देखा कहीं ऊपर ऑक्सीजन का नाम आया हो नहीं आया। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर देखो कितनी देर में हमने बोले चिल्ला क्यों रहे हो लास्ट टॉपिक है ना इसलिए चिल्ला रहे हैं। एक घंटा हुआ है हमें चैप्टर स्टार्ट किए हुए और हम एक घंटे में चैप्टर को खत्म भी कर रहे हैं। अस्थमा अस्थमा डिजीज के बारे में पढ़ लो। अस्थमा डिजीज होती है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में डायमीटर इनका बढ़ जाएगा। वीजिंग साउंड होगी ब्रीदिंग सांस लेते वक्त वीजिंग साउंड से जर्राटे काट रही है ओम फो वो साउंड होगी ठीक है। क्यों हो रही है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल फूल गए और इसके फूलने के कारण इनका डायमीटर जो है वो बढ़ गया डायमीटर कम हो गया। पहले ऐसी थी अब ये फूलने के बाद ऐसी होगी और मोटी होगी तो डायमीटर जो है कम हो गया। अब इसके अंदर जो एयर है वो कम जाएगी मेरे ख्याल से ये क्लियर है। एम्फाइसिमा एम्फाइसिमा सिगरेट स्मोकिंग से होती है सिगरेट स्मोकिंग से होगी और इसमें एल्वियोलाई डैमेज होता है एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेसिस डिक्रीज। एल्वियोलर की वॉल को इफेक्ट होगा इससे रेस्पिरेटरी सर्फेस को इससे रेस्पिरेटरी सर्फेस को डिक्रीज हो गया कम हो गया और इसका कॉज क्या है सिगरेट स्मोकिंग। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे मान लो कोई अगर है वो कोयले की खान में काम कर रहा है कोल प्लांट में काम कर रहा है देखो लिखा हुआ है ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग में काम कर रहा है या कोल उसमें काम कर रहा है कोल की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ पे कई सारी ऑक्सीजन की रिलेटेड डिजीज उसको हो सकती हैं अगर वो उसी चीज़ को बार 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 कर रहा है ना। तो इतना सारा डस्ट वगैरह है वो उसके डिफेंस मैकेनिज्म को धीरे 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 वीक करता है और फिर उसका डिफेंस मैकेनिज्म उसको कॉप नहीं कर पाएगा उस डस्ट वगैरह को कॉप नहीं कर पाएगा और उसके कारण से इसमें क्या होगा लॉन्ग एक्सपोजर जब बड़ी देर तक ऐसे चलता रहेगा उसकी बॉडी में इससे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसका फाइब्रोसिस हो जाएगा फाइब्रस टिश्यू बन जाएंगे एल्वियोला या लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यू बढ़ जाएंगे जो कि पहले लंग्स फूल सकती थी अब वो नहीं फूल पाएंगी क्योंकि उसमें फाइब्रस टिश्यू बढ़ गए ठीक है एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क उनको मास्क पहनाए जाने चाहिए। अब मैं लेकर तो आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो देखो एक मिनट वेट करो कॉपी करके ना इधर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इनको थोड़ा छोटा करके आपको प्रेजेंट करता हूँ। लो ये लो दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिख रहा तो फिर से हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं। लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेजिडुअल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स इन इंसेक्ट्स सर्कुलेटिंग। अच्छा ये मैंने पढ़ाना था अभी है ना ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं यार एक चीज रहेगी शुक्र है मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करवा दिए। अब देखो ये तो मैंने करवा दिया था यहाँ देखना ये मैंने सोचा था कि बाद में करवाऊंगा बट मैं भूल गया देखो अभी करवा देते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग ऑर्गन को यूज करेंगे। पॉलीफेरा से एस्क्रेमेंथेस तक किसको यूज करते थे जस्ट बॉडी में जो भी ट्यूब्स वगैरह प्रेजेंट है जो भी होल्स पोर्स हैं उनकी मदद से ही ये कर लेंगे अक्रॉस द बॉडी ठीक है। एनालिडा आर्थ्रोपोडा ऐसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारा कुछ बट फिर भी एक बार दोबारा देख लो। एनालिडा क्या हो गया एनालिडा में क्या आ गया आपके पास अर्थवर्म आ गया तो वो अपनी स्किन को ठीक है क्यूटेनस स्किन को यूज करते हैं। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स तो इसमें ट्रेकिया होगा गिल्स होती थी ठीक है बुक गिल्स होती थी बुक लंग्स होती थी तो इनमें कई सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। इसके बाद है मोलस्का मोलस्का में याद करो वो हम्प सा बनता था हम्प के पास है ना क्या प्रेजेंट था फेदर लाइक गिल्स उस हम्प के अंदर फेदर लाइक गिल्स होते विजरल विजरल हम्प में फेदर लाइक ग्रिम्स थे फेदर लाइक गिल्स। एकाइनोडर्मेटा में ट्यूबुलर फीट हेमिकोडेटा में गिल्स हैं और कॉडेट्स फिश में क्या होती थी गिल्स होती थी। एम्फीबियंस में गिल्स भी हैं लंग्स भी हैं और साथ ही में स्किन से भी कर सकते हैं स्किन कैसी है मॉइस्ट है ठीक है तो ये आप सब कुछ लिखो। और इसमें एक और चीज होती है बक्कोफेरिंग्स
रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, यानी हम सब लंग्स के थ्रू ही कर रहे हैं रेस्पिरेशन। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। इन आंसर्स को भी मैं यहाँ से हटा के वहीं पे ले जाता हूँ, बिकॉज आंसर भी हमें मैच करते हैं ना, चाहिए। ये लो देखो, इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज। क्या इंसेक्ट में आपके पास बॉडी फ्लूइड सर्व करते थे पूरा डिस्ट्रीब्यूट? नहीं, इंसेक्ट में ऐसा कुछ होता ही नहीं था। इंसेक्ट में तो ट्यूब विद इन ट्यूब आ गई थी, तो ये गलत है। नेक्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द लंग्स एज बाई कार्बोनेट, सेकेंड ऑप्शन। तो 3.2, 3.2 सही है। थर्ड क्वेश्चन, बोमेंस ग्लैंड, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट पहले होता था, तो ये ऑल्फैक्टरी एपिथीलम में प्रेजेंट होते थे, नोज के पास प्रेजेंट होते थे बोमेंस ग्लैंड, ठीक है, यानी ये भी हमने कर लिए। तो फिर से ये वाला पेस्ट हो गया यार, मुझे ये थोड़ी पेस्ट करना है। अगले क्वेश्चंस देखो, अगले क्वेश्चंस भी आपके सामने प्रस्तुत हैं। लो 2007 के क्वेश्चन है, देखो फिर से वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स ग्लैंड की, सॉरी वुमेन्स कैप्सूल नहीं है, वुमेन्स ग्लैंड है। फिर से वुमेन्स ग्लैंड की लोकेशन पूछ ली गई, तो देखो कहाँ पे है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल के ऊपर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्या था आपके पास? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नहीं पहले तो वाइटल कैपेसिटी आएगी, तो कैपेसिटी सबसे ज्यादा था ना, तो डी ऑप्शन सबसे ज्यादा होगा। डी के बाद आता है सी, रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 2500 से 3000, है ना। तो वाइटल कैपेसिटी, उसके पीछे आएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, फिर आएगा टाइडल वॉल्यूम, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन, फिफ्थ का फर्स्ट, देखो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, वाइटल कैपेसिटी क्या थी लंग्स की, दिखाओ। इट वाज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नहीं, इसमें तीन चीजें ऐड होती थी, तीन चीजें ऐड होती थी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, बिल्कुल सही, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको आप कह सकते हो, ठीक है, बिकॉज हमने देखा था टोटल लंग कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड हो गया था, जो कि इसमें नहीं था, ठीक है। तो सिक्स का सेकेंड हो जाएगा। देखो सेवेंथ क्वेश्चन, मैच करना है, तो देखो करेक्ट मैचिंग कौन सा है, तो यार ऑप्शन बड़े अजीब से हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इन्होंने कहा कि ए यानी कि 4500 है, रेजिडुअल वॉल्यूम 4500 होता है क्या? गलत, इतना रेजिडुअल वॉल्यूम कब से होने लगा, ये तो कोई कैपेसिटी होगी, 4500 तो कोई कैपेसिटी होगी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दी हुई है और वाइटल कैपेसिटी दी हुई है, तो इनमें से देखते हैं कौन सी हो सकती है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या ऐड होता था, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या ऐड होता था, आईआरवी ऐड होता था और टाइडल वॉल्यूम ऐड होता था, तो आईआरवी कितना था 3000 था और टाइडल वॉल्यूम 500 था, तो 3500 होना चाहिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है 3500, यानी डी का होना चाहिए 3500, तो डी का 3500 आपको दिया हुआ है इस ऑप्शन में। और पहले बाकी भी तो चेक करो, ए का 1200 दिया हुआ है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 होता था क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 होता था क्या, हाँ बिल्कुल सही, रेजिडुअल वॉल्यूम वाज 1200, है ना, तो यही सही लग रहा है, फोर्थ सही लग रहा है, बट एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं। ए 4500 तो बिल्कुल गलत है, रेजिडुअल वॉल्यूम 4500 कब से होने लगा, फिर उन्होंने कहा वाइटल कैपेसिटी 2500, अच्छा एक और कैपेसिटी दी हुई है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में हमने क्या क्या किया था, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, तो नहीं ये गलत है, वाइटल कैपेसिटी 4500 होगी, इट इज रॉन्ग। देन इन्होंने कहा सी का 1200 है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 है, आईआरवी 1200 था क्या, आईआरवी 1100 से 1200 था, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा डी 2500 है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 2500, नहीं 2500 आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी नहीं है, आपके पास 2500 तो थोड़ी थी यार इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ होना चाहिए आंसर, देखो सातवें का फोर्थ आंसर है। एट्थ क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने, चलो एट्थ क्वेश्चन भी आ गया। व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमंस, 2010 का क्वेश्चन है ये, आरबीसीज के बारे में ट्रू कौन सा है, दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, को कैरी नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल गलत, दे कैरी 20-25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, ट्रू है, बिकॉज बाइंडेड फॉर्म में 20-25% जाती थी, 99% ऑफ ऑक्सीजन, क्या वो 99.9%, नहीं 97% थी, दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली एंड द रेस्ट 20% इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा,
नहीं ये भी गलत है, उसका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। किसको कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर तो आया नहीं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर लेके आ लेते हैं। लो 8th क्वेश्चन, इसका आंसर है आपके पास कौन सा? सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, तो चेक कर लेते हैं एक बार। 8th का सेकंड है, अरे तो पूरा का पूरा आंसर ही हिल गया। 8th का सेकंड है। फिर 9th देखो, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन द डाइनिंग टेबल, एक सडनली कफ होने लगा उसको, क्यों? बिकॉज उसने कुछ खा लिया था, और किस कारण से हुआ हुआ ये? क्योंकि एपिग्लॉटिस में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गई होगी, एपिग्लॉटिस हट चुका होगा है ना, उसी उसी कारण उसकी फूड चेन में फूड चला गया। तो ये है आपके पास 9th का फर्स्ट, चेक कर लो 9th का फर्स्ट। अब 10th क्वेश्चन ऊपर है तो मैं उसको भी लेके आता हूँ। ये तो 9th तक है, तो 10th वाला यहाँ पे है, इसको मैंने कर लिया कॉपी और वहां पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है ये लो। टेंथ क्वेश्चन ध्यान से देखना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गिवन फिगर शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग। आपको बताना है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द पार्ट ए बी सी डी आर करेक्टली मार्क्ड टू देयर फंक्शन। सी क्या है? व्हाट इज सी? देखो सी ध्यान से, ये आरबीसी है, नहीं बी आरबीसी मेजर किया हुआ है, और सी इज कैपिलरी, सी इज आर्टरियल कैपिलरी पासिस ऑक्सीजन टू टिश्यू। सही है, यहां से ऑक्सीजन टिश्यू में जाती है, और यहां से नहीं, बिल्कुल गलत, आर्टेरियल कैपिलरी टिश्यू में थोड़ी जाएगी ऑक्सीजन, नहीं गलत। एल्वियोलर कैपिलरी, इन्होंने कहा ए एल्वियोलर कैविटी है, सही है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, यही सही है, ए इज एल्वियोलर कैपेसिटी, एल्वियोलर कैविटी जहाँ पे एल्वियोला प्रेजेंट ना, तो एल्वियोलर की कैविटी यहाँ पे है, और यहीं पे तो गैसेज एक्सचेंज हो रही थी, तो 10th का होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। लेट मी चेक, ये रहा सेकंड ऑप्शन। 11th, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अनटेक अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू। दिस ऑक्सीजन एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मसल एक्सरसाइज, रेजेस द PCO2 नहीं, इज इनफ टू कीप ऑक्सीहीमोग्लोबिन नहीं, हेल्प इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन नहीं। बताया तो था जब हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी तो जो हमने ऑक्सीजन बचा के रखी है उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, 11th का फर्स्ट। ये लो 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन देखो। 12th 13th क्वेश्चन 2011 के क्वेश्चन हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म में जा रही है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तो इन्होंने पूरा बता दिया 70%, तो ये ज्यादा बेटर है। अरे नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में जाती है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाई कार्बोनेट फॉर्म में जाएगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, तो 12th का होगा सेकेंड ऑप्शन। देखो 13th क्वेश्चन, करेक्ट अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन मे सफर फ्रॉम लंग फाइब्रियोसिस। सही है, 90% कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन नहीं, सिर्फ 3% होती है। सिगरेट स्मोकिंग से इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई हो जाएगा, नहीं एल्वियोला में दिक्कत आती थी, ब्रोंकाई में दिक्कत आती थी, किसमें? अस्थमा में। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, नहीं डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन था, यानी कि रेस्पिरेशन जल्दी जल्दी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन 13th का फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने, लो जी 14th एंड 15th क्वेश्चन करके बताइए, 14th एंड 15th क्वेश्चन करके बताओ। 14th क्वेश्चन, पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन्स टू एरिया एडजोइनिंग रोहतांग पास अबाउट 6 months बैक। ब्लैक बोर्ड में एवोल्यूशन पढ़िएगा, हाँ वो आएगा ब्लैक बोर्ड में ही आएगा वो तो, बिकॉज अभी आपके पास 12th के लेक्चर्स ब्लैक बोर्ड में ही आ रहे हैं, तो वो मैं वहीं पे पढ़ाऊंगा वन शॉट में ना। पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन्स टू एरिया एडजोइनिंग रोहतांग पास, आप प्लेन से जा रहे हो प्लेन्स एरिया में जहाँ पे इतने ज्यादा ऑक्सीजन जो है नहीं है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है और रोहतांग पास में ऑक्सीजन कम होगी बिकॉज वो ऊपर उठ जाती है ना। सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस, हैव अनयूजुअल आरबीसी काउंट बट हीमोग्लोबिन वेरी लेस बाइंडिंग। हाँ देखो लेस बाइंडिंग एफिनिटी, बिकॉज देखो टेम्परेचर कैसा हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होने पर क्या होता था, बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती थी, ठीक है तो डिसोसिएशन ज्यादा होता था, बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। टेम्परेचर कम होने पर क्या ऑक्सीजन ज्यादा होती थी? नहीं, सेकेंड ऑप्शन 14th का सेकेंड होना चाहिए, मैंने थर्ड दे रखा है, वाई दे हैव गिवन थर्ड, एक बार चेक कर लेते हैं। हैव मोर आरबीसीज एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज अ लोअर बाइंडिंग, हाँ तो सही तो है, यही सही होगा ना, बिकॉज आरबीसीज तो है ज्यादा बट उनमें जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड नहीं कर पा रहा प्रॉपर। यहाँ पे लिखा है हाई बाइंडिंग एफिनिटी, मैंने ये चीज नहीं पढ़ी, हाई बाइंडिंग एफिनिटी नहीं होती है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जाती है, समझाने में मैंने कमी बोला बट ऑप्शन टिक करने में उल्टा हो गया।
ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड विच आर द फॉलोइंग प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स एंटर उसकी एंट्री को ग्लॉटिस में रोकेंगे, एपिग्लॉटिस जो कि कैसा है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, तो 15th का थर्ड हो गया, 15th का थर्ड। लो जी 16th क्वेश्चन को भी प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, तो ये आ गया 16th क्वेश्चन, दो की है 2013 नीट का क्वेश्चन, ठीक है ना। लो कहा है एबीसीडी आपको कहा है बताना है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन। तो ए क्या है, ए आपके पास ट्रेक क्या है, तो ए ट्रेक क्या लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजनस, बिल्कुल गलत, कंप्लीट नहीं होती थी, इनकम्प्लीट होती थी, डॉर्सल साइड पे इनकम्प्लीट रहेंगी। नेक्स्ट बी देखो क्या है और सी देखो क्या है, ब्लीम बी आपके पास है इंटरकोशल मसल्स कह लो बिकॉज डायग्राम इज नॉट प्रॉपरली विजिबल, तो पहले सी देखो, सी तो एल्वियोलाई है, थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही सही है। एल्वियोलाई थिन वॉल थे, कितनी वॉल थी, कितनी थिन थिकनेस थी इनकी लेंथ, इनकी वॉल की 1 सेल थिक थे, तो इसका होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, 16th का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब 17th क्वेश्चन को लेके आते हैं ऊपर से, यहाँ पे होगा 17th क्वेश्चन, तो इसको मैंने कर लिया कॉपी, कॉपी कर लेते हैं और हम आते हैं नीचे ताकि इसको हम पेस्ट कर सकें, ये हो गया पेस्ट। लो क्वेश्चन नंबर 17, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रांसपोर्ट, 70% को कौन ट्रांसपोर्ट करता था, एज कार्बमिनो, कार्बमिनो नहीं होती थी हेमो, उसमें होती थी कार्बमिनो नहीं होती थी, इट वॉज बाय कार्बोनेट आयंस, याद रखना कार्बमिनो नहीं होती थी, कार्बमिनो हेमोग्लोबिन तो बड़ा कम है, कितना 23%, ठीक है, और डिजॉल्व फॉर्म में 7%, और बाकी जो बची 70% वो बाइकार्बोनेट, डिजॉल्व गैस मॉलिक्यूल नहीं, देखो बाइंडिंग टू आरबीसी और कार्बोनिल हीमोग्लोबिन सेम ही मतलब है, तो ये तो आपको पता चल गया ना कि ये सेम ऑप्शन दो दो बार आंसर थोड़ी होगा, इसका 17th का हो गया फर्स्ट, 17th का हो गया फर्स्ट, चेक करो फर्स्ट ऑप्शन। 18th, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अस टू ब्रीथ, कौन सा ऐसा चेंज होगा जो आपको बोलेगा कि ब्रीथ करो, देखो होल्ड करके रखो ब्रीथ को, आपकी ऑक्सीजन जो है वो कम है अंदर और बाहर ज्यादा है ना, तो आप अंदर इसको ब्रीद करो, ये कौन आपको अर्ज करेगा, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, आपको ये याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता था, एच पॉजिटिव ज्यादा होता था तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ता था, ठीक है, और ये कौन करवाएगा, कीमो, तो वो कीमो सेंसिटिव एरिया भी करवाएगा जो कि ब्रेन के पास पास में रिदमिक सेंटर के पास में है, और पॉन्स रीजन वाला जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर वो भी यही करवाता है। नेक्स्ट हम आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 पे और 20th, 19, 20, 21 तीन क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं। गिवन फिगर इज स्पायरोमीटर रीडिंग, स्पायरोमीटर क्या था जो कि स्पायरोग्राम क्या था, हाय वापस आ गया अर्नव, हाय अर्नव, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ईआरवी क्या होता था, ईआरवी क्या होता था जो कि आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद निकाला, तो देखो नॉर्मल एक्सपिरेशन कहाँ है, ये नॉर्मल एक्सपिरेशन है ना, इसके अलावा जो सी पार्ट है, सी पार्ट ये आपने एक्स्ट्रा एक्सपायर किया, तो सी पार्ट रहना चाहिए आंसर, इसलिए मैंने ग्राफ ही पढ़ाया था, तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए 19th क्वेश्चन का आंसर, तो देखो 19th का आंसर है थर्ड ऑप्शन, 18th का फर्स्ट हमने देख लिया था। फिर आते हैं 20th क्वेश्चन पे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट, राइट की तरफ कब शिफ्ट होता था, राइट की तरफ कब शिफ्ट होता था, जब CO2 का प्रेशर बढ़ गया, PCO2 बढ़ गया, PO2 कम हो गया, जो H पॉजिटिव है वो भी बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन है, PCO2 डिक्रीजेस नहीं, PO2 डिक्रीजेस सही, pH इंक्रीजेस, pH इंक्रीज का मतलब है कि H पॉजिटिव डिक्रीज हो रहे हैं, बट H पॉजिटिव यहाँ पे हमने कहा इंक्रीज होंगे तो गलत है, टेम्परेचर डिक्रीजेस नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो मेरे ख्याल से 20th का फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लियर है, एक बार चेक भी कर लो 20th का फर्स्ट ऑप्शन। 21st क्वेश्चन चेक करो, अरे चलो अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा किसमें हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स नहीं, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मैश सेल्स नहीं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रेकिया या एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रेकिया कह सकते हो इसको, तो इसका थर्ड लग रहा है मेरे को, तो है ना थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर, एक बार चेक कर लो, एक बार इसमें थोड़ा डाउट भी है पर चेक कर लेते हैं एक बार, 21st का सेकेंड दे रखा है बस टाइम पास, हाँ टाइम पास ही चल रहा है, अच्छा हाँ सॉरी लंग्स में होता था ना इसमें, तो एल्वियोलाई ब्रोंकियल्स इस सब में इफेक्ट होता था एस्थमा में, तो इसलिए इसका आएगा सेकंड ऑप्शन। इसके अलावा अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे पेश कर देते हैं, नीट 2016 के क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखना है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोला इज, एल्वियोला में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता था, लेस देन दैट इन ब्लड, लेस देन दैट इन कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड, या मोर देन दैट ऑफ ब्लड? बताओ, ब्लड से जाना है एल्वियोला में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, बट एल्वियोला से जाना है ब्लड में, तो मोर देन ब्लड, मोर देन ब्लड होना चाहिए, तो लेस देन ब्लड गलत है, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है क्या इसमें एल्वियोला में? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो कम होगा ना एल्वियोला में, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो सेल के अंदर ज्यादा होगा। इक्वल टू दैट इन ब्लड, अगर इक्वल टू है तो गलत हो गया, बिकॉज इक्वल टू में तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा, तो मोर देन दैट इन ब्लड यानी कि 22nd का हो गया, फोर्थ ऑप्शन। देख कौन रहा है, मैं देख रहा हूँ भाई। लंग्स डोंट कोलैप्स व्हेन ब्रीदिंग, क्यों? बिकॉज उनके अंदर प्लूरल फ्लूइड है। अच्छा सॉरी, प्लूरल फ्लूइड तो है बट साथ ही में उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, उनके अंदर एक रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लेना कौन सा आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 67th के बाद हम आते हैं अगले पे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे अब हम। ये भी एम्स 2016 का क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज रेगुलेटेड बाय, RRR इज रेगुलेटेड बाय, डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कीमोसेंसिटिव एरिया, नहीं भाई, डाइसेफलॉन एंड ब्रेन स्टेम या कीमोसेंसिटिव एरिया इन द वॉल ऑफ लंग्स, इसको कौन कंट्रोल करता था? इसको कौन कंट्रोल करता था 24वें को? देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRRC, जो आपने RRC पढ़ा था, देखो कहाँ पे पढ़ा था वो बता देता हूँ, NCERT से पढ़ाया गया था, यहाँ पे पढ़ाया गया था, देखो RRC, ठीक है। तो ये देखो इसको कौन कंट्रोल करता था, इसको कंट्रोल करेंगे आपके पास, कहाँ गया, अरे हमने 23 का आंसर मार्क नहीं किया, 23 का क्या आंसर है, फोर्थ। इसको कौन कंट्रोल करेगा 24th को? अच्छा हाँ, एक चीज याद रखो, वो लाइन लिखी हुई थी ना कीमोसेंसिटिव एरिया, है ना, वो इसको इसको मैसेज भेजेगा, तो आप कह सकते हो इसको कीमोसेंसिटिव एरिया कंट्रोल कर रहा है। 24वें का होना चाहिए सेकंड ऑप्शन, एक लाइन से क्वेश्चन बनाया है, सेकंड ऑप्शन देखो। 25th, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक, द एल्वियोलाई डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन, बिकॉज उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अच्छा ये चीज मैंने बताई नहीं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा चिपकता है, मतलब उसकी ज्यादा एफिनिटी है। इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड, नहीं स्टेबल तो नहीं होता, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इट इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी, इट इज अ टॉक्सिक गैस, तो यही आपका होगा, ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए 26th का। फर्स्ट दे रखा है इन्होंने, एक मिनट चेक कर लेते हैं। इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, अच्छा हाँ, जहां पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता था ना, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है देखो, अरे चल पढ़, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बट अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बाइंड कर रही है तो वो क्या बनेगी, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, वो बनेगी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तो इसलिए आंसर दिया हुआ 26 का फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें 26 तक की क्वेश्चंस हैं, तो बाकी आप कर लोगे खुद से, चलो मैं करवा देता हूँ, ऊपर देके जाते हैं, 27 को भी लेके आते हैं नीचे। अब तो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं थोड़े से, इनको देख लेते हैं, कॉपी करके इनको मैं नीचे ले आया। अरे चलिए 27th क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली मैच करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन एस्थमा एम्फिजेमा रेस्पेक्टिवली। एस्थमा में क्या होता था, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, नहीं डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, इंक्रीज नंबर ऑफ वर्क, नहीं डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, उल्टा है ना, उल्टा बता दिया ना उन्होंने, अस्थमा में तो ब्रोंकियोल्स जो है वहां पे इन्फ्लेमेशन होती थी, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए 27th का। 27th का थर्ड ऑप्शन चेक करो, बिल्कुल सही है। 28th का चेक कर लेते हैं, 28th, अरे यार वॉल्यूम से देखो कितनी बार क्वेश्चन आ गया, तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था, देखो एस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1200 था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वॉज 2500 से 3000, टाइडल वॉल्यूम 500 से 550, रेजिडुअल वॉल्यूम 1000 से 1100। देखो ए का 3, ए का 3, बी का आपके पास है 1, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसके उपरांत 22nd क्वेश्चन चेक करो, 29th क्वेश्चन चेक करो, सॉरी ऑक्यूपेशनल डिजीज बतानी है आपके पास, ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन सी है, तो मैं ही बता देता हूँ, बिकॉज आपको नाम तो नहीं बताया एनसीईआरटी में, बट मैं बता देता हूँ, सिलिकोसिस।
सिलिकोसिस, चेक कर लेते हैं एक बार 29th का आंसर भी। देखो सेकंड ऑप्शन सिलिकोसिस ही था। फिर 30th क्वेश्चन देखो, 30th क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो लास्ट दो क्वेश्चन आपके पास, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंस मेनी पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉल्ड वीजिंग, जिससे वीजिंग हो रही है, वीजिंग ड्यू टू। अब वीजिंग किस में होती थी? अस्थमा में होती थी। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टेडर वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो आपको उन्होंने बोला है आप बताओ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ रेसिडुअल वॉल्यूम इज देखना। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती थी? ईसी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती थी ये आप कर लोगे क्या खुद से? है ना, फॉर्मूला बेस्ड है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपको निकालनी है। इट वॉज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस साइडर वॉल्यूम, ईआरवी प्लस टीआरवी, ईआरवी प्लस टीवी। ईआरवी कितना दिया हुआ है आपको? 1000 दे रखा है, और टीवी कितना दिया हुआ है? 500 दे रखा है। तो 500 प्लस 1000 1500, फर्स्ट ऑप्शन। ये तो ऐसे दिया हुआ है रेजिडुअल वॉल्यूम इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। तो 2,1, 2,1 बिकॉज वैसे तो तुक्का मार लोगे बनते हैं ना, 2,1 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इन दोनों का। तो देखो 2 है और 1 है। विद दिस आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, विद दिस आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए नाउ लेट अस गो अहेड, गो अहेड मैंने इस लाइव को अब हम खत्म करते हैं। तो थैंक यू टू ऑल जो भी यहाँ पे आए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे या जहाँ से मर्जी आए थे, उन सबको मेरी ओर से धन्यवाद है कि आप यहाँ पे आए हैं। चलिए मिलते हैं आज किसी और लेक्चर के साथ, वो भी लाइव में नहीं हो पाएगा, बट मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम भाई सारे।